कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बुधवार को अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या का विमोचन किया, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आइसिस और बोको हराम से की है। इस किताब के खिलाफ दिल्ली पुलिस में पहले ही शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। बीजेपी ने कहा है कि यह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। कंगना रनौत ने एक नेशनल समिट में कहा कि भारत को असली आजादी 1947 में नहीं 2014 में मिली थी। इस पर बीजेपी के वरुण गांधी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इसे पागलपन कहूं या फिर यह देशद्रोह। अन्य हस्तियों और नेताओं ने भी स्टैंड लिया है और कंगना के बयान की आलोचना की है। वरुण गांधी ने कहा, कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान, और अब शहीद मंगल पांडेय से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूँ या फिर देशद्रोह। राज्य सरकार ने तमिलनाडु के 20 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। चेन्नई में कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। चेन्नई आने वाली उड़ानों को भी रोक दिया गया है। आंध्र और पुडुचेरी में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश के आसार हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने GCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में ई गवर्नेंस का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य GCA की प्रक्रियाओं और कार्यों का स्वचालन करना है। श्री सिंधिया का कहना है कि यह परियोजना प्रतिबंधात्मक विनियमन से रचनात्मक सहयोग में बदलाव का प्रतीक है। विभिन्न GCA हितधारकों को सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे पायलट, विमान रखरखाव आदि GCA पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। अभिनेत्री मल्लिका शेरावत, जिन्होंने अपनी अपरंपरागत भूमिकाओं और ग्लैमरस ऑनस्क्रीन अवतारों के साथ प्रसिद्धि प्राप्त की, ने हाल ही में पुष्टि की कि वह एक रिश्ते में हैं और उन्होंने अपने निजी जीवन पर खुलकर बात की है। अभिनेत्री हाल ही में मंदिरा बेदी द्वारा होस्ट किए गए एक सेलिब्रिटी चैट शो में दिखाई दी, जहां उन्होंने अपने प्रेम जीवन के बारे में बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि वे दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ सेंट ट्रोपेज में छुट्टियां मनाते हुए और एक ही होटल में रहते हुए मिले थे। फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर आ गई है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हालांकि यह लहर औरों से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके इससे लड़ सकते हैं। वर्तमान में फ्रांस में प्रतिदिन दर्ज होने वाले कोरोना के मामले 19,000 से 20,000 हैं। फ्रांस में कोरोना से कुल मृत्यु 1,19,000 हो चुकी है। दिल्ली में अगले 4 दिनों तक स्मॉग बना रहने की संभावना है। पराली जलाने, दीपावली पर पटाखे फोड़ने और मौसम बदलने से बना है स्मॉग। हवा में खतरनाक गैसों की मौजूदगी है और PM का स्तर 2.5 है। CSI के अनुसार प्रदूषण को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए सरकार को तत्काल कुछ करना चाहिए।